हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम है आपको मेरे YouTube चैनल पाने के लिए। दोस्तों आज मैं फाइनली फिर से आ गया हूँ गेटवे ऑफ इंडिया और इसके बाजू में है ताज होटल। तो दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी मैं ताज होटल के बाजू में हूँ समंदर के किनारे, जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे, देखिए तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। और आज का दिन दोस्तों रविवार है, तो रविवार का छुट्टी का दिन होता है, तो यहाँ पे भीड़ थोड़ा ज़्यादा, आम दिन से ज़्यादा भीड़ लगती है। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, देखिए यहाँ का एक अच्छा सा व्यू आपको दिख रहा होगा। देखिए सब मतलब क्या किनारे रखे हुए हैं और देख रहे हैं यहाँ का व्यू, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। देखिए दोस्तों यह इस तरह से यहाँ की जो लाइन है ना, बहुत लंबी लाइन है और ये बहुत दूर तक जा रही है। देखिए तो हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, बस फिर अभी तो हम लोग अभी ताज होटल के पास हैं और इसके बाद जाने वाले हैं हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया के पास। तो हमारे साथ आप बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये है हमारे बिट्टू भाई, पिछले एक घंटे से फ़ोटो खिंचवा रहा है पर ये भी फ़ोटो इसके हिसाब से नहीं आ रहा है। और ये भाई फोटोग्राफर, ये फ़ोटो खींच नहीं पा रहा है या वो उसको पसंद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं इसी दोनों के साथ आया हूँ घूमने के लिए, ये दोनों हम जो है मेरे दोस्त हैं। क्या सुनना चाह रहे हो, बताओ सुनना क्या चाह रहे हो? टाइम पास क्यों करो, जल्दी घूम रही है ना, बुला लो उसको, जाओ तुम अंदर। ऐसा तो रोना था, जाएंगे तो सबको साथ में जाएंगे। यहाँ देखिए बहुत सारे कबूतर हैं, यहाँ पे कबूतर को पाला जाता है। तो दोस्तों मैं अभी था इधर ताज होटल के बाजू में और अभी मैं जा रहा हूँ, चल के जा रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया के पास। वहाँ का एक अलग ही अपना व्यू है, मेमोरेबल, मतलब जो भी वहाँ पे हम वीडियो या फोटो बनाएंगे वो हमारा याद के तौर पर रहने वाला है। तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ और आप तो देख ही रहे होंगे मेरे पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है। और इस तरह से भीड़ मतलब कि लगती रहती है, शाम का टाइम, अभी शाम का टाइम है और शाम के टाइम में ज़्यादा भीड़ लगती है जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों इस एरिया में जो है ना रिक्शा नहीं चलती है, 80% टैक्सी चलती है, टैक्सी कार वगैरह चलती है। कहने का मतलब यहाँ पे रिक्शे और रिक्शे टाइप की गाड़ी यहाँ पे नहीं चलती है। आप जैसे कि देख सकते हैं कहीं पे भी आपको रिक्शा नहीं है, हर जगह टैक्सी नज़र आएगी। और दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे लोग नाश्ते के लिए, खाने के लिए आते हैं, हर तरह का नाश्ता आपको यहाँ पे मिल जाएगा अवेलेबल। और यहाँ पे पैसे भी मतलब ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब चीप रेट में आपको अच्छा मतलब नाश्ता मिल जाएगा। देखिए और खाने पीने की चीज़ के अलावा भी यहाँ पे मोबाइल का कवर या कम्फर्ट ग्लास, इस तरह की चीज़ें, ईयरफोन लीड, ये इस तरह की चीज़ लेना होगा तो ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ का ये रेगुलर भीड़ है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, सब चलता है। देखिए भीड़ है, काफ़ी भीड़ है, तो हम आते हैं घूमने के लिए तो इस तरह के भीड़ का सामना हमें करना पड़ता है। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, अभी हम पहुंचने वाले हैं गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। तो हमारे साथ दोस्तों आप बने रहिए, आपको बहुत ही मतलब अच्छा लगने वाला है। ये देखिए दोस्तों ये जो भीड़ है, गेटवे ऑफ इंडिया का एंट्री और एग्जिट है, तो कुछ लोग जाते हुए नजर आएंगे आपको और कुछ लोग आते हुए नजर आ रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है। देखिए और मैं अभी जा रहा हूँ, मेरा एंट्रेंस होने वाला है। तो दोस्तों मैं फाइनली गेटवे ऑफ इंडिया के सर्कल में घुस गया हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे गेटवे ऑफ इंडिया आपके कैमरे में दिख रहा होगा और हम अभी यहाँ पर घूमने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही मतलब मज़ा आने वाला है हम लोगों की इस वीडियो में। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग ग्रुप फ़ोटो खींच रहे थे, ये देखिए ये मैडम खींच रहे ग्रुप फ़ोटो। और देखिए दोस्तों क्राउड देखिए कितना है, बहुत क्राउड है। देखिए दोस्तों और दोस्तों यहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं, ये देखिए ये भाई साहब
ये या फिर रशियन होंगे या फिर अमेरिकन होंगे, क्योंकि इस तरह इतना बड़ा उधर के ही लोग होते हैं। देखिए बहुत भीड़ है और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इस मतलब कि इस भीड़ में घूमने आए हैं। बहुत अच्छा है, ये मैडम को देखिए, ये फोटोग्राफी करने के लिए आई हुई हैं। देखिए आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, आप हमारे साथ एकदम से बने रहिए। ये है हमारे बिट्टू भाई, हम इनके साथ ही घूमने के लिए आए हैं, और ये हमारे छोटे भाई हैं। कोई हाँ अच्छी बात है, आपकी गर्लफ्रेंड है कहाँ? अच्छा वो वाली है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए इधर भी है, आइए देखा, देखिए ये भाई साहब बहुत सारे गर्लफ्रेंड बना के रखे हैं इधर भी। अरे तो हमको दिखावे तो हम तो दिखा नहीं रहे, हां कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए यहां चार को लेके आया हूं, आपको बोलो तो एक दे देता हूं, बस चार गर्लफ्रेंड। अरे नहीं भाई, मेरे को चाहिए नहीं, बस बस ऐसे एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ये यहां पे देखिए ग्रुप फोटो चल रहा है, ये देखिए दीदी को देखिए, बहुत ही मतलब देखिए कितना मतलब सुकून लग रहा है यहां पर, सुकून जैसा मतलब माहौल ही है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए हर तरफ के लोग आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, अपना अपना टाइम निकाल कर टाइम स्पेंड करने आए हैं। देखिए तो दोस्तों मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मुंबई आए हैं तो आपको किसी भी मतलब क्या बोलते हैं किसी भी कीमत में आपको ना गेटवे ऑफ इंडिया का जो है दर्शन करना चाहिए। ये यहाँ का जो है सबसे फेमस, मुंबई का सबसे फेमस जगह गेटवे ऑफ इंडिया ही है, और इसके बाद बाकी की जगह आती है, तो इसलिए आपको ज़रूर ज़रूर गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के लिए आना चाहिए। देखिए देखिए बहुत मतलब अच्छा लग रहा होगा आपको। मैं तो दोस्तों बहुत बार आ चुका हूँ और तब पर भी मुझे आने का मन करते रहता है, कभी कभार तो मैं आ जाता हूँ, छुट्टी रहता है तो आ जाता हूँ, जैसा कि आज संडे था तो मैं आ गया। देखिए यहाँ पे दोस्तों हर तरह के लोग मिलेंगे, हर कास्ट के यहाँ पे दोस्तों, इंडिया से बाहर के फॉरेनर के भी लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको, जैसा कि आप देखिए मेरे बैकग्राउंड यहाँ पे रशिया के, अमेरिका के, चाइना के, हर तरह के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ से ताज होटल का जो व्यू है बहुत ही अच्छा आ रहा है। देखिए दोस्तों ये गेटवे ऑफ इंडिया के बाजू वाला ये जगह है, यहाँ पे व्यू पॉइंट है यहाँ पे, तो देखिए आप अभी बहुत ही अच्छा लगने वाला है। देखिए और दोस्तों यहाँ पे यहाँ से नज़दीकी जो आइलैंड होते हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। यहाँ बोट लगते हैं और बोट का कुछ प्राइस होता है 1,000, 500, 2,000, जितना दूर जाना है जिस आइलैंड पे जाना है उस आइलैंड का अपना एक अलग रेट है, उस रेट के हिसाब से आप टिकट लेंगे और वहाँ से आप आइलैंड पर जा सकते हैं घूमने के लिए। तो ये भी है यहाँ पर सुविधा है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मेरे पीछे देखिए आपको दिख रहा होगा बोट वगैरह सब, और समंदर में आपको जो शिपें चल रही है, अगर आप नज़दीक में होगा तो आपको वो भी दिख जाएगा। देखिए भीड़ तो रहती है, क्या कर सकते हैं। ये देखिए जो ये जो बोट आई है उधर से ही है, आइलैंड के पास से ही ये बोट आई है, और ये फिर लोगों को लो के आइलैंड जाने वाली है, तो ऐसा है दोस्तों। देखते रहिए, आपको लगेगा मैं सारी चीज़ें यहाँ का दिखा दूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, इत्मीनान से बने रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए ये देखिए दोस्तों यहीं पे, यहाँ आप बोट लेके जा सकते हैं आइलैंड की तरफ। ये देखिए कितने सारे बोट्स हैं,